अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक बार आप जरूर यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे आ गया सिजलिंग हॉट मेरा मिक्स वेज सिजलर एंड लुक व्हाट आई जस्ट फाउंड। ये वाला फोन लगभग मैंने लिया था 3 से 4 साल पहले। सब्सक्राइब टू आईपीएम व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। Well, so what's up guys, welcome vlogs back in. So guys, जो आज का vlog है ना, it's about visiting Delhi's biggest sneaker store. तो exactly हुआ क्या, दो दिन से ना अपने ढूंढ रहा हूँ मैं एक शूज जो कि मेरे को चाहिए, जॉर्डन के पेयर जो कि ना तो मेरे को मिल रहे हैं ऑफलाइन ना मेरे को मिल रहे हैं ऑनलाइन। अब दिक्कत क्या है कि मेरा जो साइज है वो है US 14 और उसकी मेरे को कहीं मिलता नहीं है साइज। अब मेरे को पता लगा मेरे फ्रेंड से कि डेली में एक स्नीकर स्टोर है तो शायद मेरे को वहाँ पर मिल जाए, तो वहाँ पर मैं गया एंड वहाँ पर जाकर जो शू की कलेक्शन दी ना, डैट वॉज टोटली वेरी वेरी लेट। तो चलते हैं, दिखाता हूँ पूरा आज के लोग वीडियो को, लाइक करो वीडियो को, एंजॉय करो वीडियो करते हैं आज के व्लॉग को। सो लेट्स गो। वेल सो वेलकम गाइस, अभी हम व्लॉग्स बैक हियर। तो भाई स्टोर है हमारे सामने, तो चलें अंकल स्टोर के अंदर। हाँ भाई चलते हैं। चलो सो गाइस जस्ट लुक एट दिस शूज कलेक्शन। मुझे को पता नहीं था कि इतनी बड़ी शू की शॉप दिल्ली में है स्नीकर्स की एंड आई जस्ट केम ओवर हियर। जस्ट लुक एट दिस कलेक्शन, अमेजिंग। बाकी यहाँ पे बहुत सारे शूज़ ऐसे ऐसे हैं जो कि मैं देख रहा हूँ बिल्कुल पहली बार, जो कि आई जस्ट सॉ ऑन गूगल एंड यहाँ पे सारे वो मिल रहे हैं। जैसे देखो वहाँ पे और भी शूज़ आपको एक बार दिखाता हूँ वो सब शूज़ एंड ये वाले शूज़ देखो नाइकी के, दीज आर लुकिंग वेरी वेरी अमेजिंग। बाकी एक बार ज़रा ये वाले शूज़ भी देखो कैसे लग रहे हैं शूज़ आपको। भैया नंबर बढ़िया है ना, बहुत ये देखो। बाकी यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं जॉर्डन के, बट यहाँ पे मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं है US 14 अनफॉर्चुनेटली, बट दीज आर वेरी वेरी अमेजिंग यार। तो एक बार ये वाले शूज़ देखो, ये भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा सही है ना अंकल। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अंकल। मेरे को पता नहीं था दिल्ली में इतना बड़ा स्टोर है शूज़ का। हाँ भाई हम, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया और मैं सीधा यहाँ पर आया एंड आई जस्ट गॉट शॉक्ड, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे को देखने के बाद ये सब शूज़ अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया। अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक बार आप जरूर यहाँ पर आओ। एंड गाइस यहाँ पे शॉर्ट्स भी हैं, देन यहाँ पे जर्सीज भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं एंड हैव अ लुक एट दीज। मेरे को पता करें कमेंट ये क्या है क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड यहाँ पे बहुत सारे शूज़ अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे आप आ सकते हो, यू कैन ऑर्डर योर शूज़। मेरे को स्पेसिफिक शूज़ चाहिए थे जो कि मेरे को यहाँ पे भी नहीं मिले, बट अमेजिंग। बाकी जहाँ पे मैं जाता हूँ मोस्टली मैं शूज़ जो मेरे को चाहिए होते हैं वो होते हैं अवेलेबल, मेरा साइज़ नहीं होता अवेलेबल। मेरे को ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि US 14 मेरा साइज़ है, मेरे को कभी कभार नहीं मिलता। तो अंकल साइज़ की दिक्कत है बस। हाँ भाई साइज़ की दिक्कत है, बाकी जूता तो एक से एक है। बिल्कुल यार। तो भाई मैं आ चुका हूँ स्टोर के बाहर एंड जो शूज़ की यहाँ पे कलेक्शन थी वो थी बहुत ज़्यादा सही। एंड अंकल आपको कैसे लगे कलेक्शन? भैया बहुत अच्छा। दिक्कत बस अंकल एक ही है मेरे साइज़ की, मेरा साइज़ कहीं मिलता नहीं यहीं से। बाकी आई जस्ट फिगर आउट कि यहाँ पे एक और भी है पास में स्टोर जो कि है DLF मॉल सकेत के अंदर, तो वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। तो भी जो मेरे को काम करने के लिए पहले वो काम करते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर चलेंगे सीधा सकेत मॉल। चलेंगे तो पहले अपना काम निपटाता हूँ, क्योंकि जो मेरे को शूज़ चाहिए आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मेरे को वो वाले सेम शूज़ चाहिए बट वो कहीं पर मिल नहीं रहे। अगर मिल भी जाएंगे तो सेम मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक वो मैं करूँगा ऑनलाइन ऑर्डर, फिर वो आएंगे US वगैरह से, फिर उस पर लग जाएगी थोड़ी कस्टम ड्यूटी इनऑल्व, वो मेरे को थोड़ा लगता नहीं अच्छा कि थोड़ी कस्टम ड्यूटी इनऑल्व पे करूँ। बट चलो कोई बात नहीं, अगर शूज़ चाहिए तो थोड़ा बहुत चलना पड़ता है क्योंकि साइज़ भी नहीं है, ऊपर से जो शूज़ चाहिए वो थोड़े से हैवी यूनिक से। तो चलो चलते हैं एंड बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। चले अंकल? हाँ चलो। 6.5 hours later। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 3 एंड मेरे को मम्मी की तरफ से मिले आज स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की अगर मैंने अपनी अलमीरा पूरी ढंग से नहीं करी ऑर्गेनाइज तो आई कांट परचेज एनी मोर थिंग्स। तो अभी मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ अलमीरा ऑर्गेनाइज, क्योंकि होता क्या है कि पूरी अलमीरा मेरी ऐसी मतलब भरी पड़ी है, मैं ऐसे ही आता हूँ सामान ले जाता हूँ अलमीरा के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि आलस। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरी अलमीरा की हालत अभी कैसी है एंड अभी मैंने कितना सारा सामान कर दिया ऑर्गेनाइज, वैसे भी बहुत सारा काम होना बाकी है ऑर्गेनाइज। तो एक बार पहले देखो पूरी अलमीरा की हालत कैसी है। तो कुछ अभी ऐसी है हालत मेरी अलमीरा की, अभी मैं कर रहा हूँ सबसे पहले ऑर्गेनाइज अपना पूरा कैमरा सेक्शन, तो ऑलमोस्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे पूरे रखे हैं साइड में ट्राईपॉड, यहाँ पे मैंने होम पॉड रखा है अभी, देन यहाँ पे है मेरा स्टेयरिंग व्हील, इस वाली में सारे माउंट्स हैं मेरे GoPro वगैरह के। बाकी यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अभी सारी बैटरीज, यहाँ पे मैंने रख दिया कैमरा, यहाँ पे है GoPro। अभी बाकी है ये वाला सेक्शन, ये लास्ट वाला, ये वाला तो मैं थोड़ा कम ही छेड़ूंगा क्योंकि इसमें मेरा सारा बॉक्स वगैरह पड़े हैं, लाइक इसमें हरी मेन कैमरा इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं, यानी गिम्बल एंड ऑल एंड सारे सॉफ्टवेयर की सीडीज वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अभी क्विकली करता हूँ, पहले ही मेरे को जरा सामान सारा इसके अंदर रखना है, फिर छेड़ूंगा उसके बाद मैं ये वाला, और फिर मेरे को ये वाला ड्रॉल भी आज करना है। तो देखते हैं कैसे पूरा होगा एंड 3-10 तो हो ही गए हैं, देखते हैं कितना मेरे को टाइम लगता है इसके अंदर अब यार। A few moments later. So ये वाला जो पूरा रैक है ये हो चुका है अभी डन एंड अब बारी है इस वाले रैक की एंड इस वाले रैक की। तो यहाँ पे आई यूज़ टू कीप माई राइडिंग जैकेट जो कि मैंने रख दिया अब नीचे एंड जो सारे बैग्स हैं मैं रखूँगा यहाँ पे साइड में अच्छे से करके ऑर्गेनाइज।
बट इसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ऑलरेडी अभी लगभग हो चुकी हैं 20 मिनट, तो लगते हैं अभी काम पे बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है अभी। तो जो ऊपर का भी कंपार्टमेंट है ये अभी हो चुका 50% अभी सेट। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा सारा सामान एंड लुक व्हाट आई जस्ट फाउंड। ये वाला फ़ोन लगभग मैंने लिया था 3 से 4 साल पहले एंड लेट्स सी अगर ये अभी ऑन होता है या नहीं। तो आई थिंक इसे बैटरी अभी डेड है। मेनली इसके लिए मैंने स्नेक गेम के लिए लिया था ये वाला फ़ोन, बट मेरे को याद आ गया सारी मीम्स वगैरह इसको कहीं फेंक दो तो बंदे का सर्वर फट जाएगा, ये नहीं फटेगा। मतलब ये तब के ज़माने का फ़ोन है एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना अभी वो आज के फ़ोन से भी कंपेयर करो तो इतनी अच्छी नहीं है, बट दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो इसको रखता हूँ यहाँ पे एंड करता हूँ बाकी का अपना काम। तो गाइज मेरी हो चुकी है पूरी अलमीरा ऑर्गेनाइज, बस ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें हरे जो बैग्स हैं वो ऐसे के ऐसे मैं सोच रहा हूँ पड़े रहने दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेनली मेरे को टेंशन थी इन 3 कंपार्टमेंट्स की जो कि हो चुके हैं डन एंड लुक व्हाट आई जस्ट फाउंड। तो एक ये बिग कैमरा शॉप है जो कि है थाईलैंड की बहुत बड़ी कैमरा स्टोर, तो इसमें बहुत सारे हैं प्राइसेस। व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड इन 2018 तो वहाँ से इसको मैं लेकर आया था। मैं सोचा था कि एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर, बट ये मेरे को आज मिला इस वाले कंपार्टमेंट से। तो एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या प्राइसेस थाईलैंड के अंदर थे 2018 के अंदर, अभी इसमें क्या क्या प्राइसेस में है डिफरेंस इंडिया के अंदर और थाईलैंड के अंदर। और अभी 4-5 हो चुके हैं लगभग, मेरे को पूरा 1 घंटा हो गया इस काम के अंदर, बट स्टिल ठीक है। अब एक बार दिखाता हूँ क्या इसमें प्राइसेस है, कंपेयर करते हैं। सो ये है पूरा कैटलॉग एंड इस वक्त जो एक बाट है वो है 2.45 INR एंड यहाँ पर मैं साथ में खोल लिया है अमेजोन भी। तो अगर मैं दिखाऊँ 65 यूनिट जो अल्फ़ा है तो ये है बॉडी प्लस लेंस 50,990 एंड यहाँ पे है 1,09,000 रुपये, यानी कि ये लगभग आपको पड़ता है 1,27,000 रुपये का देखा जाए। तो ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस हाई है अगर अभी देखा जाए, बट मुझे गारंटी है कि अब जो प्राइस होंगे थाईलैंड के अंदर सस्ते ही होंगे। तो यू कैन जस्ट पॉज दिस एंड जस्ट रीड कि क्या क्या प्राइस हैं। लगभग मेरे हिसाब से कुछ 10-15 रुपये का फ़र्क आ गया होगा, 2 साल क्योंकि हो चुके हैं एंड बाकी अभी आ चुका है पूरा कैनन का। यहाँ पे 1DX Mark II एंड बाकी सब यहाँ पे कैमराज हैं। मेनली आई वुड प्रेफर कि आप सोनी ही लो अगर आप लेते हो फॉर व्लॉगिंग। यहाँ पे है निकॉन एंड यहाँ पे सारे टैमरन के लेंसेज हैं। देन यहाँ पे गोप्रो हीरो 6 ब्लैक तक ही इसके अंदर है कैटलॉग के अंदर। बाकी ये सब हैं प्राइसेस। ये पैनासोनिक फूजी फिल्म वगैरह आ गए देख लो, तो ये सब प्राइसेस वगैरह थे। एंड भाई आपको मैं ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अगर आप खरीदते हो कैमराज लेंसेज वगैरह तो वो इंडिया से ही लो, क्योंकि जो कैमराज इनके जो मदरबोर्ड्स हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। लाइक मेरे केस में जो मैंने A7R3 लिया था उसका जो माइक्रोफोन का पोर्ट है वो हुआ था ख़राब 4 बार के चक्कर में, जो पूरा मदरबोर्ड है वो करना पड़ा चेंज। उसका जो लगभग खर्चा था वो था 50,000 रुपये का मदरबोर्ड का। तो जो मेरी वारंटी है वो उसमें पूरा हुआ कवर, तो वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ मेरे को लगी कि जो वारंटी है उसमें मेरा पूरा हो जाता सारा सामान बार बार कवर। और अगर उसमें सपोज देखा था दुबई से तो लगभग मेरे 2 लाख रुपये फालतू में भी खर्च हो जाते। तो जो कैमरा से लेंसेज है वो मैं आपको वो करूँगा सजेस्ट किया वो इंडिया से ही लो। एंड एक और चीज़ की अगर आप खरीदते मोबाइल फोन वगैरह आपको मैं बोल सकता हूँ कि आप ले सकते हो दुबई से, स्पेशली जो आईफोन है उन पर आपको मिलती है इंटरनेशनल वारंटी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड ऑल्सो आजकल जितनी भी बहुत लाइक मेजरली हरे ब्रांड्स आपको कर रहे हैं ऑफर इंटरनेशनल वारंटी, लेकिन आप खरीदते दुबई वगैरह से, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि आप खरीदते हो सैमसंग के फोन तो दुबई में आई गेस आ चुका है ऑप्शन इंटरनेशनल वारंटी करने का परचेज, तो वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। लगभग जो सैमसंग वगैरह के फ़ोन हैं उनमें आता कुछ फ़र्क नहीं है, मेनली जो फ़र्क है वो इंडिया के अंदर आईफोन्स है। और लगभग आपको देता हूँ एग्जांपल कि जो आईफोन इंडिया में है आईफोन 12 वो लगभग आपको प्रो मिलता है 1,19,000 रुपये का स्टार्टिंग है, वो सेम जो दुबई में मॉडल है वो खत्म हो रहा है 1,512 GB का। लाइक इंडिया में वो सेम मॉडल है 150 का एंड जो दुबई में वो सेम मॉडल है वो आपको मिल रहा है 1,00,000 रुपये का, तो लगभग 50,000 रुपये का फ़र्क है। तो आई कैन से कि आप फ़ोन खरीद सकते हो बाहर से, बट जो कैमराज है लेंसेज वगैरह ये सब चीज़ें आप मत ही लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बाहर से इंडिया से ही लो, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। The next day. तो गाइज ये है Day 2, साथ में अभी है अंकल और अभी भी शू की सर्च जारी है। एंड ये वाला व्लॉग मैं डालूं अपने बर्थडे के बाद में, तो अभी आपको पता है कि मैंने कौन से शूज़ पहने थे अपने बर्थडे पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पूरा अपने लोगों आउटफिट बर्थडे के लिए, बट द थिंग इज कि वो लेना बिल्कुल बेकार है। चिराग भी अंकल वो कह रहे हैं मेरे को केक मारेंगे। अच्छी बात है भैया, हम भी मारेंगे। ये क्या बात होती है अंकल केक मारने वाली फालतू में? भैया पता कैसे चलेगा कि तो भैया का बर्थडे है? जब भी कोई मेरे को केक मारता है ना मेरे को एलर्जी है बहुत ज्यादा चीज से और क्रीम से, तो जब भी मेरे यहाँ पे लगती है क्रीम तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे बॉयल्स, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा, बट यार ये लोग मानेंगे नहीं बिना केक मेरे को मारे। तो पूरे डेली यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 ही जगह जॉर्डन, एक आपको मिलते हैं DLF साकेत मॉल में आई गेस, और एक आपको मिलते हैं नाइकी पैसिफिक मॉल के अंदर। तो मैंने कहा कि बिल्कुल पैसिफिक मॉल है
तो वहाँ पे भी जा रहे हैं। एंड ऑल्सो नोएडा वाला नाइकी स्टोर का आउटलेट है जिसमें जो डीएलएफ मॉल के अंदर है वहाँ पे बहुत बड़ा जॉर्डन का आउटलेट है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मिलते हैं, बट वो है मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतना दूर मैं भी जाना चाहता हूँ कि आज है 18th ऑफ नवंबर एंड कल है मेरा बर्थडे, तो ये वाला जो ब्लॉग में डालू अपने बर्थडे के बाद में, तो यू गाइस नो कि मैंने कौन से लिए थे शूज। तो चलिए अंकल पैसिफिक मॉल चलते हैं भाई, चलते हैं पैसिफिक मॉल एंड देखते हैं वहाँ पे वो शूज मिलते हैं नहीं मिलते बढ़िया से, क्योंकि वहाँ पे एक शूज है जो कि मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो जाके देखते हैं कि क्या उनका प्राइस है और साइज US 14 मिलता है या नहीं मिलता उसके अंदर। तो आ चुके हैं पैसिफिक मॉल में, गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग के अंदर, ऊपर है नाइकी स्टोर जो कि ग्राउंड फ्लोर पे, तो चलो चलते हैं, ज्यादा भीड़ है नहीं वैसे यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल सामने नाइकी स्टोर है तो चलते इसके अंदर। तो ये है एरिया जहाँ पे है सारे जॉर्डन के शूज, ये कह रही है कि एक ये नए शूज आए हैं बट इसमें मेरा साइज अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें लास्ट साइज है US 12। ये जूते तो बड़े अच्छे हैं लेकिन आपके साइज मिल जाए बस बस वो बढ़िया है, बाकी टीम के पास टी शर्ट भी बहुत सारी नई नई आई है, देखो ये वाली आई है, बाकी यहाँ पे और दो नई टी शर्ट्स आई हैं नाइकी एयर, ये वाइट में है, देन ये ब्लैक में है, देन ये तो भैया भी लेकर आए हैं जो साइज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी एक भैया लेकर आए हैं ये वाले शूज़ और एक मिल गए ये वाले US 13 है बट ये, और एक लेकर आए हैं ये वाले, तो अभी देख रहा हूँ कि कौन से अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं अंकल ये वाले आपको? हाँ भैया अच्छे लग रहे हैं, साइज आपका आ जाए हाँ बस वही बात है। तो जॉर्डन वाले एरिया के बाद मैं अभी आ चुका हूँ नाइकी वाले एरिया में, यहाँ पे अभी इनका एक नया शू आया जो कि पेगासस है, ये तो इसका येलो शेड है मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा सही, बाकी यहाँ पे एक ये वाला शू भी है पर्पल, ये भी बहुत सही लग रहा है, बट मैं लेने के लिए आया हूँ जॉर्डन तो मैं जॉर्डन ही ज़्यादा करूँगा प्रेफर, इस वक्त एक बार चलता हूँ वहीं पे कुछ देखता हूँ कोई बढ़िया सा मेरे को जो मिलेगा। तो फाइनली आई गॉट माई सेल्फ अ शूज़, तो ये मैंने लिया है, तो ये बहुत सही लग रहे थे, इसमें रेड भी है, देन इसमें ग्लॉस ब्लैक है, इसमें वाइट भी है, और साथ मैंने लिए हैं ये वाली टी शर्ट भी, सही लग रही है अंकल? हाँ भैया सही लग रही, बाकी और जो दिखा रहे हैं सारे तो आपके पास सब कुछ जो उन्होंने दिखाया मेरे को, उन्होंने शॉर्ट्स दिखाई मेरे को, इन्होंने टी शर्ट्स दिखाई, तो सारा कुछ मेरे पास पड़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट, बाकी जो ये आई थी दो मैंने सोचा था कि ये अच्छी हैं तो इसलिए मैंने इसकी लिए वाइट वाली, जो शूज़ है वो मैचिंग है, तो अंकल कल मैं पूरा पहनूंगा बर्थडे वाले दिन ही सब कुछ, हाँ भाई और लगेगा बढ़िया बहुत अच्छा, तो चलते हैं एक बार और अब कुछ खाते हैं अंकल, बहुत अच्छी भूख लग रही है, चलते हैं। तो शॉपिंग इज़ डन, अब जा रहे हैं सीधा फूड कोर्ट में सेकंड फ्लोर पे कुछ खाने के लिए, हाँ भाई चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया है सिजलिंग हॉट मेरा मिक्स वेज सिजलर विद राइस एंड अंकल ने लिया है द किंग का मील विद फ्रेंच फ्राइज एंड पेप्सी एंड क्लासिक बर्गर वेजिटेरियन, तो खाते हैं इसको। तो भाई खाना खा लिया है एंड बिल्कुल पेट भर चुका है एंड यहाँ से जा रहा हूँ मैं अभी द्वारका, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी एक और काम याद आ गया है एंड सोच रहा हूँ कि सारे काम खत्म करूँ फिर मैं करूँ आराम से बर्थडे सेलिब्रेट। तो भाई वो जस्ट एक्साइटिंग द मॉल एंड मेरे मुझे ना ये सारी आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिख गए एंड ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगी अट्रैक्टिव, तो मैंने और अंकल ने भी ली है आइसक्रीम एंड अभी खा रहे हैं। आई जस्ट टुक दिस मिल्की वे फ्लेवर एंड चोको डार्क पेस्ट एंड दिस इज वेरी वेरी टेस्टी। सो भाई डन विद द शॉपिंग एंड आपने देखा आज के वीडियो में क्या मैं कहता स्नीकर स्टोर भी जो कि है डेली का बिगेस्ट स्नीकर स्टोर, बट मेन दिक्कत क्या है कि मेरा साइज़ US 14 मेरा साइज़ है और कहीं मिलता ही नहीं है यार वो मतलब साइज़, तो यार जो जो मिलते हैं वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते नहीं डिजाइन, बस ठीक है यार थोड़ा बहुत काम चलाना पड़ता है इनसे। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमें क्लिक कर देना बेल आइकन को एंड ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम आईडी को स्क्रीन पे दिख रही होगी क्योंकि वहाँ पे मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा गिव अवे, तो जल्दी से मेरे को फॉलो कर इंस्टाग्राम पे आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय।